What's up guys, welcome back once again. आज की कहानी का नाम है 6 Days 7 Night। ये कहानी है रूबी नाम की लड़की की जो कि एक मैगजीन कंपनी में पिछले 3 सालों से काम कर रही है, पर आज उसके बॉस सभी से कुछ नाखुश हैं क्योंकि कंपनी का काफी दिनों से लॉस चल रहा है, इसलिए वो रूबी को कुछ और न्यूज लाने के लिए कहते हैं। इसी दौरान उसे एक बुके मिलता है जिसे रूबी के बॉयफ्रेंड मैक्सी ने भेजा था, जिसमें उसे लिखा था कि आज रात उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए वो फौरन उसके बताए हुए रेस्टोरेंट में आ जाए। अब रात होती है, दोनों मिलते हैं, जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने हमारी 3rd एनिवर्सरी के लिए एक आइलैंड पर डिनर बुक किया है, जिसे सुनकर वो काफ़ी खुश भी होती है क्योंकि कई दिनों से वो दोनों साथ में कहीं बाहर नहीं गए थे, इसलिए वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और एक प्लेन भी बुक करते हैं जो उन्हें उस आइलैंड तक ले जाएगा, लेकिन रूबी उस प्लेन को देख कर कहती है कि क्या ये सच में हमें आइलैंड तक पहुँचा देगा। तो पायलट फिलिप्स उसे बताता है कि आइलैंड तो छोड़ दो, ये तो तुम्हें चांद तक भी ले जा सकता है अगर तुम चलना चाहो तो। इसके बाद एक और लड़की प्लेन में आकर बैठ जाती है और फिर सारे लोग उड़ जाते हैं। कुछ समय के बाद प्लेन उसी आइलैंड पर लैंड होता है जहाँ पे पहले ही काफ़ी लोग मौजूद थे जो कि अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, उसी में ये दोनों भी शामिल हो जाते हैं। अब रात के टाइम मैक्सी उसे बताता है कि हमारी 3rd एनिवर्सरी पूरी हो चुकी है, लेकिन आज मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। वो हाँ भी कर देती है और फिर वो कुछ शैंपेन लेने के लिए चला जाता है। उसी दौरान रूबी के पास फिलिप्स आता है जो उस प्लेन का पायलट था और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे आने वाले लोग बहुत ही बोरिंग होते हैं, अब तुम खुद ही देख लो। ऐसे ही करते करते वो उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ मैक्सी आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन इन सब बातों से रूबी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वेल, अब अगले दिन रूबी के पास उसकी बॉस का कॉल आता है जो उसे बताती है कि तुम्हें अपनी छुट्टी को कैंसिल करना पड़ेगा, फिलहाल इस समय के लिए तुम्हें एक आइलैंड पर जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैम, मुझे अभी यहाँ पर आए हुए 2 दिन हुए हैं, ऐसे कैसे मैं यहाँ से चली जाऊँ, आप प्लीज़ किसी और को मेरी जगह भेज दीजिए। लेकिन बॉस उसे लालच देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है अगर तुम्हारा काम अच्छा रहा तो। रूबी को लालच आ जाता है और वो फिलिप्स के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे एक दूसरे आइलैंड पर ले जा सकते हो, लेकिन वो मना कर देता है, पर वो भी उसे पैसों का लालच देती है जिससे कि वो मान जाता है। वेल, वो एक कहावत है ना कि दुनिया में जुबानें तो बहुत हैं लेकिन हर जुबान में पैसा बोलता है। वेल, कहानी आगे बढ़ती है और ये बात मैक्सी को पता चलती है तो वो उसे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही प्रपोज करा था शादी के लिए और आज ही तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जा रही हो। तब वो उसे समझाती है कि ये बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं लौट कर आ जाऊँगी और फिर हम खूब एंजॉय करेंगे। अब वो निकल जाते हैं, फिलिप्स अपने प्लेन को सही करता है, लेकिन जब वो उसे फिर से देखती है तो वही सवाल करती है कि क्या ये हमें वहाँ तक पहुँचा पाएगा। वो हाँ में जवाब देता है और टेंशन ना लेने को बोलता है। इधर शाम में मैक्सी सभी लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो डांस कर रही थी और कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जा। दूसरी तरफ आसमान में फिलिप्स के लिए दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई थी, उनके सामने कुछ काले बादल आ गए थे जो इनकी तकलीफ बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन फिलिप्स समस्या को किसी तरह से संभाल लेता है। तभी रूबी उसे अपनी मैगजीन दिखाती है और बताती है कि ये सारे आर्टिकल मैंने लिखे हैं, जिससे कि वो काफ़ी इम्प्रेस भी होता है और उसकी काफ़ी तारीफ भी करता है। पर अब बारिश होना शुरू हो गई थी जो इनके लिए एक और मुसीबत खड़ी कर रही थी। अब फिलिप्स रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान एक तेज बिजली का झटका आकर उनकी प्लेन की विंग पर पड़ता है जिससे सारी कनेक्टिविटी टूट जाती है और अब ये किसी से मदद नहीं मांग सकते। उधर रूबी की हालत ठीक नहीं थी, ऐसी हालत में उसको घबराहट होना शुरू हो जाती है जिस वजह से वो कुछ मेडिसिन लेने लगती है जो कि उसके लिए खतरनाक हो गई थी क्योंकि उसने ओवरडोज कर लिया था और इस वजह से उसका होश में रह पाना मुश्किल हो चुका था। इस बात पर फिलिप को बहुत गुस्सा आता है, एक तो पहले से वो बहुत परेशान है, ऊपर से इसने अपने होश खो दिया है। अब सारी परेशानी फिलिप्स के ऊपर ही आ गई थी। वो फैसला करता है कि अब हमें वापस रिजॉर्ट लौट जाना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इनके पास अब इतना फ्यूल ही नहीं बचा है। और इसी पल उन्हें पास में एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने प्लेन को वहीं पर लैंड कराएगा, क्या पता वहां उसे कोई मदद मिल जाए। अब वो धीरे धीरे करके नीचे जाने लगता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस आइलैंड पर पेड़ भी मौजूद है जो कि उसे दिखाई नहीं देते और वो सीधा जाकर उसे टकरा जाता है। अब यहाँ प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ समय के बाद जब सुबह उठती है तो वो देखते हैं कि प्लेन की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। पर तभी रूबी को होश आता है, वो फिलिप से पूछती है कि क्या तुम इस प्लेन को ठीक कर सकते हो, और वो ना में जवाब देता है। तब वो अपने फ़ोन को ढूंढती है लेकिन उसमें तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे क्योंकि इस जगह पर फंसे हैं वहाँ टावर इनसे मीलों दूर है, यहाँ किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में बस दो ही चीज़ ये कर सकते हैं, पहला काम ये कि इन्हें जल्दी से जाकर हेल्प का साइन बनाना होगा,
दूसरा अपने लिए एक शेल्टर ढूंढना होगा, क्योंकि ऐसे खुले में अगर ये ज्यादा देर रहेंगे तो किसी जानवर का शिकार हो सकते हैं। फिलिप सारे जरूरतों के सामान को बाहर निकाल कर रख देता है, जिसमें से कुछ खाने पीने का भी सामान था। इसके बाद वो रूबी को बताता है कि आखिर कल रात क्या हुआ था, कैसे वो लोग यहाँ पर आ गए, और अगर उनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया तो उनके लिए यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। ये सुनकर वो उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि लाओ मुझे मेरे पैसे वापस दे दो जो मैंने तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए दिया था। अब उसकी ये बात सुनकर फिलिप्स गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि क्या यार ये कैसी औरत है। अब रूबी प्लेन के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक लाइफ बोट दिखती है। फिलिप्स उसे कहता है कि तुम जो सोच रही हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतने बड़े समुंदर को सिर्फ एक लाइफ बोट से पार कर पाना नामुमकिन है, लेकिन अगर तुम ऐसा करने का सोच लिया है तो तुम जा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्सी के पास रूबी के बॉस का कॉल आता है, जो उसे पूछती है कि रूबी अभी अपनी डेस्टिनेशन पर क्यों नहीं पहुंची। वो उसे कहता है कि वो तो कल ही यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन अब यहाँ मैक्सी को उसकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो जाकर एंजेलिना से मिलता है जो कि फिलिप्स की गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों ही होटल वाले से बात करते हैं ताकि वो कोई रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सके। वो द आइलैंड पे अब इन्हें खुद के जीवित रखने के लिए कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए सबसे पहले तो पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं। आद में जाकर इन्हें एक झरना मिलता है जिसके अंदर रूबी जाती है, लेकिन तभी उसके पेट के पास एक सांप आ जाता है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है, और तब फिलिप्स आकर उसे हटा। अब यहाँ दोनों पानी को भरते हैं, लेकिन सिर्फ पानी से किसी का पेट नहीं भर सकता, इन्हें खाने के लिए भी कुछ चाहिए, इसलिए फिलिप्स को पत्तों को काट कर इकट्ठा करता है ताकि वो किसी पंछी को पकड़ सके उन्हें पहनकर। और होता भी ऐसा ही है, वो एक मोर को पकड़ लेते हैं और फिर रात में वो लोग उसी को खाते हैं। पर खाना खाते हुए फिलिप्स अपने पास के बारे में कुछ बातें बताता है कि वो असल में इसी आइलैंड पर रहता था, पर उसकी ये बात सुनकर रूबी मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हारी औकात भी है यहाँ पर रहने की, पर बाद में उसे बुरा लगता है और वो माफ़ी मांगती है। आगे फिलिप्स बताता है कि उसने आज तक शादी नहीं करी क्योंकि उसे एक लड़की पसंद थी, पर उसका एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद वो हमेशा ऐसी ही जगह पर रहने लगा। उधर रूबी भी उसे अपने कुछ बातें शेयर करती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड मैक्सी है जिसने कुछ दिनों पहले उसे प्रपोज करा है, लेकिन अब वो यहाँ पर आकर फंस गई है, तो वो यकीन दिलाता है कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। उसकी बातें सुनकर रूबी को समझ आता है कि वो एक अच्छा इंसान है, जैसा उसने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इधर मैक्सी और एंजेलिना को एक रेस्क्यू प्लेन मिल गया था जिसकी मदद से वो इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने किसी भी तरह का कोई हेल्प साइन नहीं बनाया है। हाँ, अगर वो इन्हें क्रैश प्लेन को देख लेंगे तो ज़रूर इन्हें ढूंढ सकते हैं। रूबी जब सुबह सोकर उठती है तो उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, जिससे कि वो एक्साइटेड हो जाती है और फौरन जाकर फिलिप्स को जगाने लगती है, लेकिन वो इतनी नींद में होता है कि उठता ही नहीं, और इसलिए रूबी फैसला करती है कि वो खुद फ्लेयर को चलाएगी। लेकिन यहाँ उसे एक चूक हो जाती है, वो फ्लेयर आसमान के बजाय जाकर पेड़ पर लग जाती है, इस कारण से वहाँ पर आग लग जाती है, और कुछ इस तरह से इन्होंने अपना ये मौका गंवा दिया। अब न जाने कब इन्हें दूसरा मौका मिलेगा। ये देखकर फिलिप्स रूबी पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक मामूली सी बंदूक तुम चला नहीं पाई, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे। इसी को लेकर उन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है, जो कि इस समय इन्हें काफी दिक्कतें दे सकती है। वेल, अब इन सबके बाद ये डिसाइड करते हैं कि एक ऊंची जगह पर जाकर मदद मांगेंगे, और इसी के लिए ये लोग एक पहाड़ पर चढ़ते हैं जिसका रास्ता बहुत ही सक्रिय होता है, लेकिन ये जैसे तैसे वहां पर चढ़ जाते हैं, और पर रूबी पीछे रह जाती है। तभी उसका पैर एक खाई पर पड़ता है जिससे कि वो जमीन खिसक जाती है और वो दोनों उसके अंदर गिर जाते हैं, लेकिन फिलिप्स उसे बचा लेता है और फिर चलते चलते फाइनली ये पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहाँ से इन्हें पूरा आइलैंड साफ साफ दिख रहा था। तभी फिलिप्स दूरबीन से देखता है तो इन्हें दूर से आती हुई एक बोट दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि हमें उस तक जैसे भी करके पहुंचना होगा, लेकिन उसके लिए इन्हें नीचे पहाड़ से उतरना होगा, जो कि ऊपर जाने से ज्यादा मुश्किल होता है। अब ऐसा ही उतरते हुए इन्हें रात हो जाती है, पर ये समय नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए रात में ही अपनी लाइफ बोट को लेकर निकल जाते हैं, और सुबह सुबह होते ही ये लोग उस शिप के करीब पहुंच चुके थे, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश भी होते हैं। लेकिन जब फिलिप्स दूरबीन से उस शिप को देखता है तो वहां पर कुछ लोग एक आदमी को पानी में फेंक रहे थे, और उन सभी लोगों के हाथों में बंदूक थी, यानी कि ये शिप असल में पायरेट्स का है, यानी कि समुद्री लुटेरे। इसलिए वो फौरन रूबी से कहता है कि हमें तेजी से किनारे तक पहुंचना होगा क्योंकि हमने गलत शिप को ढूंढ लिया है। पर इतनी देर में एक लुटेरा इन्हें देख लेता है और फौरन अपने आदमियों को इनके पीछे लगा देता है। ये लोग तेजी से पीछे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उनके पास राफ्ट थी जिससे ज्यादा तेज भाग पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो इन तक पहुंच जाते हैं और लगातार इन पर गोलियां चलाए जा रहे थे, जिसे बोट के चीथड़े उड़ जाते हैं और ये तैर कर उस आइलैंड पर भागना शुरू करते हैं। अब इन दोनों ग्रुप में झड़प हो जाती है और अंत में लुटेरे इन्हें पकड़ लेते हैं।
तब रूबी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन पायरेट से झूठ बोलती है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हें वो सब दे देंगे। वो इनकी बातों पर रात हो जाते हैं, लेकिन पहले उन्हें गोल्ड चाहिए था। अब ये दोनों उन्हें ऐसे ही जंगल में घुमाने लगते हैं जिससे कि इन्हें सोचने का टाइम मिल सके, और सही मौका देकर उन्हें फिर से चकमा दे देते हैं और फिर एक ऊंची सी चट्टान से नीचे छलांग मार देते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इनका पायरेट से पीछा छूटा है, ये आइलैंड पर अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में हर दो दिन में इन्हें कोई ना कोई मुसीबत मिलती रहेगी। उधर एंजेलिना मैक्सी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मना करके वहां से चला जाता है। यहाँ पर इन दोनों को चलते चलते रात हो जाती है, पर तभी इनकी नजर सामने पेड़ पर सालों से पड़ी एक वर्ल्ड वॉर 2 के प्लेन पर पड़ती है, जो शायद इनके कुछ काम आ जाए, लेकिन इससे पहले इन्हें आग जलानी होगी, जो वो बखूबी करते भी है। तब रूबी फिलिप से कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद करी है, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे ऊपर क्रैश का कोई भी केस दर्ज नहीं कराऊंगी। अब दोनों सो जाते हैं, लेकिन रूबी की जब सुबह आँख खुलती है तो वो देखती है आधे से ज्यादा हिस्से को नीचे गिरा दिया है। वो उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर वो काम कर गया तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस रात असल में मैक्सी वापस नहीं गया, बल्कि वो एंजेलिना के रूम में ही सो गया था। इससे उसे काफी गिल्ट होता है और वो बार बार उसे माफी मांगता है, लेकिन तभी उसके पास रिजॉर्ट का मैनेजर आता है, जो उन्हें बताता है कि उन दोनों को ढूंढने का रेस्क्यू अब बंद कर दिया गया है, शायद अब वो जिंदा नहीं रहे। ये सुनकर मैक्सी पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वहां दूसरी तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों के बीच में अब काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, दोनों एक दूसरे को इमोशनल भी समझने लगे थे। अब फिलिप्स उस प्लेन के टुकड़े को एक राफ्ट में रखकर अपने क्रैश हुए प्लेन के पास ले जा रहा था। किनारे पर पहुंचने पर वो कुछ पेड़ की लकड़ियों को तोड़ता है। उसका कहना था कि वो उस क्रैश हुए प्लेन को ठीक कर सकता है, इस कबाल प्लेन के हिस्से को जोड़कर। ये दोनों सबसे पहले तो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें प्लेन में रखी रस्सियों से बांध देते हैं। दरअसल इनके प्लेन का नीचे वाला हिस्सा क्रैश हो चुका था, जिससे कि इन्हें वापस से टेक ऑफ करने में दिक्कत हो रही थी। फिलिप्स पूरी लगन के साथ काम करता है और जल्दी जल्दी उन रस्सियों को बांध देता है, और आखिर में उस टूटे हुए पुराने प्लेन के हिस्से को नीचे बांध देता है ताकि ये पानी के ऊपर से टेक ऑफ कर सके। अब वो टेक ऑफ करने लगते हैं, लेकिन तभी वो पायरेट शिप दोबारा आ जाता है और वो लोग इनके ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिलिप्स भी घायल हो जाता है। रूबी भागते हुए उसके पास जाती है और उसे वापस से जंगल के अंदर जाने को कहती है, लेकिन उनके पास यही मौका है वरना वो करीब आकर इनके पूरे प्लेन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए फिलिप्स घायल अवस्था में प्लेन पर चढ़ता है और उसे टेक ऑफ करने की तैयारी करता है, लेकिन वो इन पर अभी भी लगातार गोलियां चला रहे थे, जिससे बचने के लिए इन्हें जल्दी से ऊपर जाना होगा। ये प्लेन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और ऊपर से फिलिप्स के हाथों में चोट भी लगी है। इसी चक्कर में वो पायरेट्स एक तोप से फायर करते हैं, जो सीधा आकर उनके शिप पर गिरती है और पूरी तरीके से उनका शिप तबाह हो जाता है। लेकिन ये दोनों अभी भी हवा में थे, पर फिलिप्स का काफ़ी खून निकल चुका था, इसलिए वो किसी भी समय बेहोश हो सकता है। वो रूबी को प्लेन चलाने को कुछ रूल्स बताता है ताकि उसके बाद वो प्लेन को चला सके, लेकिन कोई इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है। इतनी देर में फिलिप्स बेहोश हो जाता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइलैंड पर लोगों को अब यकीन हो चुका है कि वो दोनों मर गए, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक शोक सभा रखी है। सभी बहुत ही मायूस थे, खासकर मैक्सी। लेकिन तभी आसमान में उन्हें फिलिप्स का प्लेन दिखाई देता है, जिसे रूबी उड़ा रही थी। लेकिन जब वो उसे लैंड कराती है तो उसकी बहुत ही बेकार लैंडिंग होती है। एक बात अच्छी होती है कि उसने दोनों की जान बचा ली थी, वो सही सलामत घर पहुंच चुके थे। अब फिलिप्स को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उधर रूम में मैक्सी रूबी को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो और एंजेलिना एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। इसके बाद वो फिलिप्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसका हाल चाल पूछती है, लेकिन यहाँ फिलिप्स को ये अच्छे से पता था कि रूबी उसे पसंद करने लगी है। अब वो दोनों इतना टाइम स्पेंड कर चुके थे, वो कहती है कि क्या हम अपने इस रिश्ते को फ्यूचर में भी ऐसा ही रख सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे कोई और अच्छा लड़का मिल सकता है, वो तो बस एक मामूली सा आदमी है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब एयरपोर्ट पर दोनों अपने फ्लाइट का वेट कर रहे थे, लेकिन रूबी के दिमाग में अभी भी फिलिप्स का ख्याल आ रहे थे, इसलिए फाइनली वो मैक्सी से बोल देती है कि वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, मुझे थोड़ा समय और चाहिए। और ये सुनकर मैक्सी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में गलती से बोल देता है, ऐसे तो मैं भी एंजेलिना को पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया ना, मतलब दोनों किसी और को पसंद करते हैं लेकिन शादी किसी और से करना चाहते हैं। उधर फिलिप्स एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब उसे रूबी के साथ ही रहना है। वो रनवे पर दौड़ती है और एक फ्लाइट को देखता है, उसे लगता है कि शायद रूबी इसके अंदर है, लेकिन वो उसमें नहीं थी, बल्कि वो पीछे वाली फ्लाइट से उतर रही थी। उसने मैक्सी के साथ जाने से मना कर दिया था, तभी वो देखती है कि उसके पीछे फिलिप्स खड़ा है। वो भागते हुए जाकर उसे गले से लगा लेती है और अपने प्यार का इजहार करती है, जो फिलिप्स एक्सेप्ट भी कर लेता है।
जिसके बाद दोनों वापस उसी आइलैंड पर जाते हैं। ये कहानी देखकर आपको एक चीज का पता तो चल गया होगा, अगर आप किसी को जानना चाहते हैं, उसे परखना चाहते हैं, तो उसके साथ किसी सफर पर निकल जाइए। वापस आते समय आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।